इस बार हालांकि उतनी लहर वैसा देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चीज अहम है कि क्या बीजेपी अभी तक जैसा भी परफॉर्म किया है उसको कंटिन्यूएशन में ला पाएगी, उतना ही परफॉर्म कर पाएगी, या फिर डाउनफॉल दिखेगा पिछली बार की तरह। अगली चीज, मुद्दे जो हैं, जो जिन्ना और गन्ना से शुरू हुए थे, हिंदू मुसलमान होते हुए, उस पूरी परिधि से होते हुए अब जो इधर आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मुद्दा दरअसल सांड पे अटक गया है। ये जो नंदी बाबा जो आपकर सड़कों पे भी दिख जाते हैं, इन पर जो अटक गया है। दूसरी तरफ राशन भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि राशन को लेकर भी अब यहाँ पर ज्यादा बात हो रही है। अब अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि हमको सरकार में लाइए और 5 साल मुफ्त राशन पाइए। आज के चुनाव की क्या आप देख पा रहे हैं सर? सर अनम्यूट कर लीजिएगा। किसी को हिंदुस्तान की क्या अहमियत है उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर पिछले चुनावों के मुकाबले 2017 में अलग स्थिति थी, तब कोरोना नहीं था। यहाँ पर अभी इस समय कोरोना भी चल रहा है, वो अलग बात है कि ये तीसरी लहर अब थम चुकी है और जो आंकड़े हैं वो भी अब बिल्कुल काबू में है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सचेत होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वो आप बात उसको एक पहलू ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है कि जब लोग जोश में ना आए, लेकिन मुद्दे बेशुमार हैं। अगर आप महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और किसानों का आंदोलन इतने वक्त चला, उनका जो गुस्सा था वो अलग बात है कि गुरुपुरब के पवित्र पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के वो तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया और बोला कि कहीं तपस्या में हमारी कमी रह गई होगी, जिसके कारण हम देश के अन्नदाता को ये तीनों कृषि कानून समझा नहीं पाए। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात है जो आज का 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश का जो वोटर अपने जहन में रखेगा वो है विकास।